आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में महापंचायत को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर वार करते हुए कहा कि राज्य की सरकार किसानों का बकाया इसलिए नहीं चुका रही क्योंकि इनका मिल मालिकों से याराना चल रहा है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार किसानों पर अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म कर रही है। आपका दिन नहीं चलेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। मेरठ की क्रांतिकारी धरती से मैं कह रहा हूं कि उनको समझा देना कि रात लंबी होने का मतलब सूर्य मर नहीं जाता। सूर्य चढ़ेगा, यहीं से चढ़ेगा, इसी धरती से चढ़ेगा। पंजाब उत्तर प्रदेश इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आजादी की लड़ाई को लीड किया था। चंद्रशेखर आजाद या और भगत सिंह इकट्ठे लड़ते थे और पंजाब इन काले कानूनों से आजादी दिलवाने के लिए भी आगे होके लड़ाई लड़ रहा है और आजादी पूरे देश को मिली थी। उसी तरह इन कानूनों से आजादी पूरे देश के किसानों को मिलेगी। जय जवान। पार्टी की सरकार में आज तक नहीं है। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। हर चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे। किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी, किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो मैं सोच रहा था अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना शरीर क्यों गला रहे हैं, अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये 3 कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति